फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों के नाम को याद करने की ट्रिक। इस ट्रिक से आप इजीली याद कर पाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। ट्रिक है, रवि सर हमारे शुभयाम नाविके। रवि शब्द से याद करेंगे हम रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। भारत का राष्ट्रगान जनगणमन इन्हीं की रचना है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्लो भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं हम सर शब्द से याद करेंगे हम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन के उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम हा अक्षर से याद करेंगे हम हर गोविंद खुराना। हर गोविंद खुराना यह एक भारतीय अमेरिकी जैव रासायनिक थे, बायोकेमिस्ट थे। सन 1968 में संयुक्त रूप से मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम मारे शब्द से याद करेंगे हम मदर। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी। इन्होंने सन 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। सन 1979 में मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम शुभ शब्द से याद करेंगे हम सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र पर उनके अध्ययन के लिए उन्हें संयुक्त रूप से 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम आम शब्द से याद करेंगे हम अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री थे। ये इन्हें सन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम ना अक्षर से याद करेंगे हम बी एस नायपाल।
एस नायपाल आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। इन्हें सन 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम बी। बी सब बी अक्षर से याद करेंगे हम वेंकट रमन रामाकृष्ण। वेंकट रमन यह एक जीव वैज्ञानिक हैं। इन्हें सन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम का अक्षर से याद करेंगे हम कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के खिलाफ पक्षधर हैं। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये तो थी हमारी ट्रिक। दोबारा रिवाइज करेंगे। रवि सर हमारे शुभेयाम नाविकी। रवि शब्द से याद करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर शब्द से याद करेंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हा अक्षर से याद करेंगे हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मारे शब्द से याद करेंगे मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुबह शब्द से याद करेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आम शब्द से याद करेंगे अमर सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ना अक्षर से याद करेंगे बी एस नायपाल। इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बी अक्षर से याद करेंगे वेंकट रमन रामाकृष्ण। इन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। का अक्षर से याद करेंगे कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये थी हमारी ट्रिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस ट्रिक को आप एक से दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।